नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए। पीटरसन ने अश्विन पर उठाए सवाल। भारत के सीनियर ऑफ स्पिन आर अश्विन द्वारा जॉस बटलर को विवादित तरीके से रनआउट करने के मामले में इंग्लैंड के पूर्व महान बल्लेबाज केविन पीटरसन ने कहा है कि वह इस मामले में अश्विन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। पीटरसन ने साथ ही यह भी कहा कि वह अश्विन की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहेंगे। अश्विन के समर्थन में उतरा बीसीसीआई। बटलर को विवादित तरीके से रनआउट करने के मामले में बीसीसीआई ने कहा है कि अश्विन को खेल भावना पर लेक्चर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीसीसीआई के मुताबिक अश्विन ने जो किया वो नियमों के दायरे में था और उस वक्त अंपायर और मैच रेफरी वहां मौजूद थे, जिनका काम यह सुनिश्चित करना है कि मैच नियमों के दायरे में खेला जाए। बटलर के साथ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। रविचंद्रन अश्विन को इंडियन टी20 लीग मैच में जॉस बटलर को मॉकडिंग आउट करने का कोई मलाल नहीं है। अश्विन का कहना है कि यह फैसला उन्होंने अनायास लिया और अगर यह खेल भावना के विपरीत है तो क्रिकेट के नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए। मलिंगा को मिली आईपीएल खेलने की इजाजत। श्रीलंका क्रिकेट ने सीनियर तेज गेंदबाज और सीमित ओवर फॉर्मेट में टीम के कप्तान लसित मलिंगा को आईपीएल के 12वें सीजन में खेलने की इजाजत दे दी है। श्रीलंका क्रिकेट ने मीडिया में आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। विश्व कप से पहले हेजलवुड को फिट होने की उम्मीद। विश्व कप 2019 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक अच्छी खबर आई है। चोटिल तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने कहा है कि वो विश्व कप से पहले पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। जनवरी में हेजलवुड को बैक इंजरी हुई थी, जिसके कारण वो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज और भारत दौरे का हिस्सा नहीं बन पाए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।